तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कोको कोला की 2 बोतलों से कंपनी को हुआ $4 अरब का नुकसान। तो ये सब जानने के लिए प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक का बने रहना। तो दोस्तों दरअसल हुआ ये कि पुर्तगाल के फेमस स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने मैच से पहले अपने कोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहुँचे तो उनके सामने कोको कोला की 2 बोतलें पहले से ही टेबल पर पड़ी हुई थी और उन कोको कोला की बोतलों को देखकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो गुस्सा हो गए और उन्हें साइड कर दिया और साइड में पड़ी पानी की बोतलें उठाते हुए कहा कि हमें पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। तो इसके बाद जैसे ही यूरोप में 3 बजे स्टॉक मार्केट खुला तो उस वक्त कोको कोला का शेयर मार्केट 56.10 अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन कुछ देर बाद यह लुढ़क कर 55.22 डॉलर हो गई। तो इससे कोको कोला की कंपनी को $4 बिलियन यानी 293 अरब करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर।